मुरैना में जिला प्रशासन ने आदिवासियों को बिना नोटिस दिए ही उनके मकान तोड़ दिए। आदिवासियों का कहना है कि लगभग 3 पीढ़ियों से यहां पर रह रहे हैं। राज्यमंत्री रघुराज सिंह कंसाना का कहना है कि यहां पर प्रशासन ने बिना जानकारी के कार्रवाई करके गलती की है। जल्दी ही यहां के लोगों की हर प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। अब हमारे मकान बने हुए थे, बना रहे थे, कुछ लोग रह रहे थे हम लोग, तो फॉरेस्ट आई, फॉरेस्ट ने साहब हमारा मकान तोड़ दिया, मशीन ले गया, जेसीबी चला दी मकानों पे, हमारा सामान वामान जो था उसमें वो भी दब गया, आटा पानी था वो भी दब गया, कुछ हमारा सामान पड़ा था वो भर के ले गए अपनी गाड़ियों में। नहीं भाई, क्या मैं तो अपनों के बीच में आया था, क्या है कल फॉरेस्ट के कुछ अधिकारियों की गलत फहमी की वजह से हमारे जो आदिवासी भाई थे उनकी झोंपड़ियां रही थी, उनको तोड़फोड़ कर गए थे, क्योंकि मैं प्रशासन कलेक्टर साहब से मेरी चर्चा हो चुकी थी और SDM साहब ने उसको पटअप भी कर दिया था, जगह देखने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन बिना सूचना के जो लोग आ गए थे यहाँ और इनके साथ नाइंसाफी हो गई। यह मामला कल वन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी। कुछ अतिक्रमणकारी बाहर से 20-25 दिन पहले मुरैना जिले में आ गए थे और उनके द्वारा जो मुरैना रेंज की धनेला बीट है उसमें रिजर्व फॉरेस्ट नंबर 22 कंपार्टमेंट में अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया था। उनके द्वारा घर भी बनाने की कोशिश की जा रही थी जिसमें उन्होंने लगभग 3-3 फीट तक की दीवार खड़ी कर दी गई थी और उसमें कोई भी पक्का मकान नहीं था, उसमें सारा निर्माणाधीन कार्य था और उनको हमारे स्टाफ द्वारा, रेंज ऑफिसर द्वारा दो बार समझाइश दी गई थी कि आप यहाँ आए हो लेकिन आप बस नहीं सकते हो, यह वन विभाग की भूमि है, पर फिर भी उनके द्वारा यह समझाइश मानी नहीं गई। तो कल हमारी टीम पुलिस बल के द्वारा नूराबाद पुलिस स्टेशन के बल के साथ वहाँ पे पहुँची थी और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उनको वहाँ से हटाया गया, उनको बताया गया कि ये वन विभाग की ज़मीन है, आप इसमें नहीं रह सकते हो। जैसे ही जानकारी मिली है प्रशासन को, दो घंटे में ही जिला प्रशासन ने इनके लिए जगह तलाश ली है और इनको दिखाया गया, इन्हें वो जगह पसंद भी है। अगले हफ्ता 10 दिन में हम इन्हें पट्टा दे देंगे, मालिकाना हक का वहाँ, और कोशिश करेंगे शासन से इन्हें अनुदान भी प्राप्त हो सके इसके लिए।